नमस्कार दोस्तों, जी है मेरे पास Realme 9i 5G जो दोस्तों Realme का 5G स्मार्टफोन है। दोस्तों इस फ़ोन की मैंने अनबॉक्सिंग पहले ही की थी एक बार, लेकिन मैं फिर से मैंने मंगाया है। क्यों मंगाया है ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। दोस्तों आपको पता है कि फ्लिपकार्ट पर ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है, इसलिए वो दोस्तों लोग जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए मैंने ये उसको ओपन कर लिया था। तो जी है रियलमी का Realme 9i 5G। इसके अंदर दोस्तों इसका इनवॉइस वगैरह और कुछ नहीं है, तो साइड में करता हूँ। तो दोस्तों जी है इसका बॉक्स Realme 9i 5G का। दोस्तों ये फ़ोन कितने का है यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इसका पेमेंट कैश में करते हो, आप इसको कैश में मंगाते हो, तो ये आपको कितने का पड़ जाएगा और प्रोवारा चलते रहते हैं। दोस्तों देखिए इसमें कुछ हाईलाइट दी गई हैं, जिसमें आपको डायमंड सी का 810 5G वाला प्रोसेसर मिलता है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी है और 90Hz चलता है अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले के साथ। 120Hz नहीं है, बट दोस्तों 90Hz भी काफ़ी अच्छा होता है 60Hz के मुकाबले। और 50MP का इसमें मेन कैमरा दिया गया है, 3 कैमरे का सेटअप पीछे, जो कि दोस्तों मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। जी मेरे पास दोस्तों जो है सोलफुल ब्लू कलर, और इससे पहले दोस्तों मैंने एक बार मंगाया था, वो था मेरे पास गोल्ड कलर। तो अभी इस बार मैंने ब्लू कलर में मंगाया है। और जी मेरे पास दोस्तों 4GB और 128GB वाला वेरिएंट, ये देखिए 4GB और 64GB वाला वेरिएंट है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको इसकी दिखाता हूँ इसमें क्या क्या मिलता है। तो देखिए दोस्तों पहले मिलता है इसके अंदर एक बॉक्स, जिसके अंदर दोस्तों आपको कुछ बुक्स वगैरह मिलेंगी और शायद इसके अंदर हमें कवर भी मिलेगा। और यहाँ दोस्तों हमें देखो देखिए जी हमें मिलती हैं कुछ पेपर वर्क, और जी है इसका ट्रांसपेरेंट कवर, और जी है दोस्तों इसके साथ एक सिम इजेक्टर पिन जो ये काफ़ी बड़ी है, साइड में कर दें इनको। और दोस्तों जी है स्मार्टफोन, इसको साइड में करता हूँ, पहले आपको इसके अंदर को और दिखाता हूँ। तो देखिए इसके अंदर हमें मिलता है एक चार्जर, ये देखिए जो दोस्तों एक फास्ट चार्जर है काफ़ी फास्ट, और जो है इसकी डाटा केबल, जिसकी डाटा केबल है जो कि दोस्तों टाइप ए टू टाइप सी वाली होने वाली है, ये देखिए ये टाइप सी केबल है दोस्तों इसकी। जो साइड में करते हैं मेन, चलते हैं मेन फ़ोन की तरफ। तो दोस्तों देखिए जी है ब्लू कलर, जो कि दोस्तों आपको ब्लू दिखेगा, बट जब आप इस पर लाइट पड़ती है तो ये इसमें टेक्सचर सा नज़र आता है गोल्ड कलर का, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और पीछे दोस्तों ग्लास टाइप से दिया गया है इसका बैक, बट ये ग्लास वगैरह कुछ ज़्यादा वैसा नहीं है, फिर भी दोस्तों देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब दोस्तों इसमें कवर भी लगा देता हूँ, ये देखिए कवर जो हमें इसके अंदर मिलता है। तो कवर लगाने के बाद दोस्तों ये फिर भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है, बट मैं आपसे बोलूँगा कि आप एक अच्छी क्वालिटी का कवर ले लें मार्केट से। देखिए कवर लगाने के बाद दोस्तों ये फ़ोन पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो गया, बट ये कवर इतना अच्छा नहीं है कि आपके दोस्तों ये फ़ोन को अच्छे से सेफ रख सके, ये सिर्फ ये है कि आप इससे कुछ दिन काम चला सकते हो। और दोस्तों देखो इसमें कवर भी मिलता है, चार्जर भी मिलता है, और प्लस दोस्तों इस फ़ोन के ऊपर आपको एक लेमिनेशन भी होके मिलती है, जिससे आप कुछ दिन इसको चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको इस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती, तो आप इस पर टेम्पर लगवा सकते हो, लेकिन कुछ दिन इससे निकाल सकते हो। दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है ब्लू कलर का। इसकी दोस्तों स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें दोस्तों हमें 4GB और 64GB का दोस्तों इसमें वेरिएंट मिलता है सबसे सस्ता वाला, और दोस्तों डायमंड सिटी का 810 5G प्रोसेसर मिलता है। बैक में दोस्तों 3 कैमरे दिए गए हैं, जो दोस्तों 50MP प्लस 2 2 MP के। फ्रंट में दोस्तों आपको मिलता है यहाँ पे 8MP का सेल्फी कैमरा। दोस्तों इसमें डिस्प्ले की बात करूँ मैं तो इसमें मिलती है दोस्तों हमें 6.6 mm की, दोस्तों 6.6 इंच की एक फुल HD IPS LCD वाली डिस्प्ले। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको इसके अंदर जो सुपर एमोलेड होती है वो मिलेगी, वो नहीं मिलती, बट डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है इसकी, LCD पैनल दोस्तों काफ़ी अच्छे होते हैं।
5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। और दोस्तों इसमें आपको 4G 5G सारे बैंड मिलते हैं, आप इसे किसी भी नेटवर्क पे यूज कर सकते हो। मैंने इसको बूट अप कर दिया है, तो दोस्तों देखिए अभी ये मैंने सेटअप नहीं किया है तो इसलिए इस तरीके से आ रहा है। तो इसमें हमें काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्तों रियलमी की तरफ से जो फीचर्स होते हैं दोस्तों वो हमें इसके अंदर मिलते हैं। और इसके पोर्ट्स की बात करूँ दोस्तों देखिए यहाँ पे हमें सिंगल स्पीकर मिलता है, यहाँ पे ये इसका टाइप सी पोर्ट, यहाँ है दोस्तों इसका माइक, ये देखिए ऊपर दोस्तों कुछ भी नहीं है, साइड में है यहाँ पे पावर ऑफ और ऑन बटन जिसके अंदर आपको फिंगर बटन भी देखने को मिलेगा, और इस साइड में है वॉल्यूम अप डाउन बटन, और ये दोस्तों इसकी सिम ट्रे जिसके अंदर दो सिम आप आसानी से लगा सकते हो। तो दोस्तों मैं इसको सेटअप करता हूँ उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों फ़ोन मैंने पूरा सेटअप कर दिया है, ये देखिए जिसके अंदर दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी स्मूथनेस मिलती है, ये देखिए कलर काफ़ी अच्छे हैं। अब फ़ोन भी दोस्तों देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है कवर लगाने के बावजूद भी। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ उसका कैमरा, कैमरे का लेआउट कैसा है, ये देखिए तो कैमरा दोस्तों कुछ इस तरीके का है। मैं आपको एक फ़ोटो लेकर दिखाता हूँ, ये है मेरे पास आईफोन 13। दोस्तों कैमरा को साउंड भी काफ़ी अच्छा है, फ़ोटो क्लिक करते टाइम जो साउंड आता है। दोस्तों देखिए कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि कैमरा इसका ठीक नहीं है, कैमरा दोस्तों काफ़ी अच्छा है इसका। और अभी दोस्तों सेटअप हो रहा है इसलिए बार बार कोई ना कोई चीज़ इसमें ओपन हो रही है। तो देखिए एक एक चीज़ दोस्तों आप इसमें बारीकी से देख सकते हो, और मैंने जब फ़ोटो क्लिक किया है तो पीछे का दोस्तों जो पीछे का जो दोस्तों बैकग्राउंड है वो थोड़ा ब्लर ब्लर सा हो चुका है, ये देखिए। तो कैमरा दोस्तों क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। तो दोस्तों अगर आप इस फ़ोन लेना चाहते हो तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप इसके गोजी वाला कलर लें, ब्लू वाला काफ़ी अच्छा लगता है, गोल्ड का दोस्तों थोड़ा डार्क सा लगता है, बट अगर आप इसको ब्लू कलर को लेते हो तो ये ब्लू कलर दोस्तों देखने में काफ़ी प्यारा लगता है, देखिए इसमें सेटअप वगैरह हो रही है एप्लीकेशन। तो दोस्तों अगर आपको ये फ़ोन चाहिए तो उसको खरीदने का लिंक आपको नीचे बॉक्स में मिल जाएगा, और मैं दोस्तों आपको इसकी सेटिंग दिखाता हूँ क्योंकि ये जो सेटअप हो रहा है इसमें एप्लीकेशन दोस्तों इंस्टॉल हो रही है, मैंने अपने वाईफाई से कनेक्ट कर दिया इसी वजह से। तो इस मैं आपको दिखाऊँ सेटिंग, तो कुछ इस तरह का दोस्तों इसमें इंटरफेस आता है सेटिंग के अंदर। इसका दोस्तों मैं आपके अबाउट फोन में ले चलूँ, तो देखिए अबाउट फोन में ले चलता हूँ मैं आपको। तो देखिए आपको यहाँ मिलती है दोस्तों Realme की UI 3.0, और इसमें अभी कोई भी अपडेट नहीं है। और ये दोस्तों मेरे पास 64 GB वाला, जिसमें से दोस्तों 19 GB ऑलरेडी यूज है जो एप्लीकेशन इसके अंदर दी गई है उसमें। और इसके अंदर दोस्तों आपको 4 GB रैम का ऑप्शन मिलता है, जिसमें दोस्तों आप और भी रैम बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये फीचर है दोस्तों रैम बढ़ाने वाला, ये आजकल सभी फ़ोनों में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये कुछ फ़ोन है रियलमी का, रियलमी 9i 5G, अगर आपको ये फ़ोन चाहिए तो खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें। मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।